राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बता दें कि उन्होंने 29 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में काम संभाला था और इन 3 सालों में राज्य सरकार के साथ कई बार टकराहट की स्थिति आई, जिसे लेकर उन्होंने ऐसे कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए सत्र में सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में नई सिलेबस के साथ नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्यपाल का 3 साल कार्यकाल पूरे हुए, हमारे साथ मौजूद है राज्यपाल अनुसुईया उइके। आपका 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हुए, कैसा रहा? हाँ, 3 साल के जो कार्य पूर्ण हुए, अभी तो पूर्ण तो नहीं, उसको अधूरा ही मानूंगी, क्योंकि 1.5-2 साल तो कोरोना में निकल गया और मुश्किल से 1.5 साल ही मुझे शायद मिला है फील्ड में काम करने का। और ऐसी परिस्थिति में अभी बहुत सारे इशू हैं, मुद्दे हैं, लेकिन ये समय के साथ सारी चीज़ें तो किसी की भी पूर्ति, कोई भी सरकार भी हो, कोई भी हो, नहीं कर सकते। और मेरी कोशिश हो रही है कि जो कुछ इस तरह की मुख्य रूप से जो एक नीतिगत मामले हैं, उसमें कुछ हद तक मैंने काम करवाया भी है। अब जैसे जो लघु वन उपज में जो प्रबंधक लोग जो काम करते थे उनका वेतन बढ़वाया, 2 साल का पैसा रुका हुआ था तेंदुपत्ता बोनस का, 597 करोड़ का, वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाया मैंने। नई शिक्षा नीति लागू होना है, ऑटोनॉमस के हो गया तो सिलेबस अलग अलग होगा, कैसे हो गई? अब जल्दी भी शिक्षा नीति का लिए मैं पहल कर रही हूँ, जल्दी ही इसके लेकर बन जाएगा। मुझे लगता है आगामी सत्र में नए सिलेबस के साथ सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ये शिक्षा नीति शुरू हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। इन्होंने जैसे बताया कि 1.5 साल का कार्यकाल इनको करने के लिए, 1.5 साल कोरोना से भरा हुआ था, तो निश्चित तौर से चुनौती भरा रहा।